नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें और रीजनिंग समझने के लिए कुछ आसान टिप्स। दोस्तों, वर्तमान समय में विभिन्न पदों के लिए अनेक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों से कई विषयों को शामिल करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को एक नियमित समय दिया जाता है। जब किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया जाता है तो उसमें रीजनिंग से जुड़े सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसे आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, पर आज इस वीडियो में हम आपको जो टिप्स बताने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये टिप्स आपको रीजनिंग के सवाल हल करने में बेहद ही मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग, यह एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अभ्यर्थी थोड़ी सी तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। वैसे तो रीजनिंग के सवाल ज़्यादातर जटिल लगते हैं, लेकिन यदि आप इसकी नियमित ढंग से तैयारी करते हैं तो इस सेक्शन में सफलता प्राप्त करना अधिक मुश्किल नहीं लगेगा। वहीं रीजनिंग में स्कोर करने के लिए ट्रिक्स अहम रोल निभाती है। ट्रिक्स से कम समय में अधिक से अधिक सवाल बहुत ही आसानी से हल किए जा सकते हैं। इसलिए यदि आपको रीजनिंग से संबंधित अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको रीजनिंग किसे कहते हैं ये जानना होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। रीजनिंग एक महत्वपूर्ण विषय होता है जिसके प्रश्न अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वही रीजनिंग का हिंदी में मतलब तर्क शक्ति, विचार, विवेक बुद्धि से होता है। रीजनिंग को यदि परीक्षा की नज़र से ना देखा जाए तो यह ऐसे सवाल हैं जिन्हें केवल दिमाग में भी हल किया जा सकता है। रीजनिंग के प्रश्न एक तेज दिमाग वाला अभ्यर्थी बहुत ही आसानी से हल कर सकता है। वही रीजनिंग के सवाल हल करने के लिए हर एक अभ्यर्थी अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे आसानी से इसे हल कर सकते हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी का दिमाग जितना तेज होगा उतनी ही उसकी तर्क शक्ति अच्छे से काम करेगी। रीजनिंग के प्रश्न कुछ कठिन होते हैं, लेकिन यदि आप नियमित व प्रतिदिन रीजनिंग की तैयारी करते रहेंगे तो आपकी तर्क शक्ति तेज होगी और आपको इस विषय के सवाल अच्छे लगने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेंगे। रीजनिंग के अलग अलग विषयों पर रीजनिंग के लिए प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे रीजनिंग कैलेंडर, ऊंचाई और दूरी, साधारण ब्याज, लाभ और हानि, प्रतिशत दर, स्टाफ और शेयर, समय और दूरी, समय और काम, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, उम्र पर समस्या, घड़ी, नंबर पर समस्या, बैंकर का डिस्काउंट और भी ऐसे बहुत से सेक्शन जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, चलिए जानते हैं कुछ आसान टिप्स के बारे में। पहले नंबर में, रीजनिंग हल करने में रुचि रखें। रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति एक ऐसा सेक्शन है जिसमें केवल प्रैक्टिस चाहिए। यदि आप लगातार रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए रीजनिंग सेक्शन काफ़ी आसान और काफ़ी मनपसंद का बस सेक्शन बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना कम से कम एक घंटा रीजनिंग प्रश्न हल करें, जिससे आपको उसमें रुचि बढ़ने लगेगी। दूसरे नंबर पे है शॉर्ट फार्मूले याद रखें। रीजनिंग सेक्शन हल करने के लिए आप कुछ शॉर्ट यानी छोटे फार्मूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने रीजनिंग के कुछ फार्मूले खुद से बनाए हैं तो सबसे पहले इन फार्मूलों को अन्य प्रश्नों में लागू कर जाँच करें। यदि एक जैसे प्रश्नों में आपका यह फार्मूला प्रयोग हो रहा है तो ही इन्हें याद रखें। छोटे फार्मूले याद कर परीक्षा में इनका प्रयोग करने से आप कम समय में ज़्यादातर रीजनिंग के प्रश्न हल कर सकेंगे। अगला नंबर है रीजनिंग में ध्यान केंद्रित करें। रीजनिंग हल करने के लिए शांत स्थान का चुनाव करें। यदि आप किसी शोरगुल जगह में रीजनिंग हल करते रहे हैं तो आप केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग हल करने के लिए आपका पूरा ध्यान रीजनिंग में होना आवश्यक है। यदि आप केवल यह सोचकर रीजनिंग हल कर रहे हैं कि आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, आप कभी भी यह नहीं सीख पाओगे। इसलिए रीजनिंग हल करते समय अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करें। अगला है ग्राफ का प्रयोग करें। रीजनिंग सेक्शन में कुछ प्रश्न दिशा से संबंधित होते हैं। यदि आपको इन प्रश्नों को हल करने में मुश्किल होती है तो आप ग्राफ के माध्यम से भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ग्राफ के द्वारा आप रीजनिंग के प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे तथा इसके साथ साथ आप कम समय में ही रीजनिंग सेक्शन हल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान टिप्स। यदि आप इन दिए गए आसान टिप्स को डेली फॉलो करते हैं और रीजनिंग की प्रैक्टिस ईमानदारी से करते हैं
तो आप बड़ी ही आसानी से कम समय में रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।